मेरी मम्मी, ये इनका घर है, ये ऊपर हम कैंपिंग लगाएंगे। ये देखो रोटी बना रहे हैं, ये चावल का रोटी है, ये देखो तो बनाओ बनाओ ये देखो एक कोली भाषा में बात करते हैं, मराठी कोली जो होता है ना वो भाषा में बात करते हैं। ये देखो कैसे ये देखो ये चूल्हा है इधर, अब ये गरम होने का वेट कर रहे हैं। ये जैसे देखो धुआं निकल रहा है ना इसमें, और अच्छे से गरम हो जाएगा ना तो ये रोटी इसमें डालेंगे और सेकेंगे। वो दिखाती हूँ मैं आपको आगे, ऊपर थोड़ा कैंपिंग लोकेशन देख के आते हैं। चलो ये कह रहा है कैंपिंग कहीं पे भी लगा लो, सब अपना ही है। देखो अंदर इनका घर है, ये भाई है, ऊपर ऊपर अपना कैंपिंग लोकेशन रहेगा। ये देखो मेरे मम्मी को भी पसंद है ये सब, चूल्हे में खाना बनाना। मम्मी भी आ गई अभी, को ना तो आवाज नहीं है। ऐसे रोटी बनाते हैं, देखो पिट मारने ने रोटी थोड़ा टूट गया था तो इसके लिए वो फिर से बना रहे हैं। बंद कर कमला जी, वो कुर्चा है, ये वो कुर्चा है, इधर हम तो काम बस सांचे मटन अतराजेंद्र जी रखा। आज संडे है ना, इसके लिए नॉनवेज बनाएंगे रोटी के साथ। रोटी के साथ नॉनवेज खाते हैं हम, तो प्योर वेजिटेरियन है, हमको इसका पता नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि नॉनवेज बनाएंगे शाम को। रोटी ना उधर ये राशन तो चावल नहीं बराबर खरीदा थे, पानी लगाते हैं, खटली बाय रोटी हाथों से प्रेस कर करके आटे को इतना पतला बना देंगे यार, लगेगा ही नहीं कि हाथों से बनाया है, ऐसे लगेगा बेलन लगाया है, लेकिन बेलन बिल्कुल नहीं है। देखो इतना बड़ा है परात, देखो कितनी बड़ी है परात का आधा आधा हिस्सा इन्होंने रोटी बनाया है। अगर माधव जाते कदाचे देखो डाल दिया, ये देखो ऐसे आटा निकाला उन्होंने, ये आटा निकाला, इसको फिर से हमारे कमला दरवाजा लग गई, इसको अभी थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा निकालेंगे, ऐसे आटा निकाल के उसको थोड़ा थोड़ा ये करते हैं, एक साथ में आटा नहीं पीसते, मतलब एक साथ में आटा नहीं इसको एक ही टाइम पे मतलब पूरा ये करके नहीं रखते, गर्म पानी डाल के इसको मिक्स करके रखते हैं और थोड़ा थोड़ा आटा निकाल के एक एक टाइम पे ऐसे मलते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। गर्म पानी वो कर एक एक रोटी में इतना आटा लगता है, देखो इतना आटा लगता है। तो कहीं कलेला तीला ये देखो, इतना ही डाल दी, देखो कितना बड़ा पक गया है। वो खुश चाय जी उमड़ रही चेयर लेके बैठो, मैं ऐसे बैठी हूँ, देखो मुझे एक्चुअली गोप्रो फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ना, बड़ा मजा ला रहा है। देख देखो मामा इच घर नहीं करना, बात कर रहे हैं मराठी में, कोली भाषा में बात कर रहे हैं, एक्चुअली मराठी भी नहीं है, अगदी कोली बोलते हैं इस भाषा को। ये थोड़ा इनका घर का बात चल रहा है मेरी मम्मी के साथ, अपने घर की बात। देखो इनका टेरेस, टेरेस पे हम लगाएंगे कैंपिंग। ये देखो गोप्रो की रिकॉर्डिंग कैसी है मेरी बताओ यार, पहली बार कर रही हूँ। ये देखो ये सारा जो है ना मुंबई है, मुंबई। ये देखो ये मेरी मम्मी, चलो कैंपिंग लगाते हैं अभी। ये देखो भाई बिछा लिया अपना कैमरा, हवा देखा कितने तेज़ी से आ रहा है। ये देखो अपना रेन कवर है, मैंने पानी का बॉटल गार्बेज बैग में हमेशा कैरी करती हूँ, गार्बेज बैग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यात्री ट्रैवल कर रहा है ना तो ऐसे पॉलीथीन या फिर कोई भी चीज़, मतलब ऐसे जैसे मैंने गार्बेज बैग रख लिया, आप कोई भी पॉलीथीन रख लो और जो भी आपके पास वेस्ट जमा होता है ना वो वेस्ट को रास्ते पे मत फेंको यार, रास्ते पे थूको मत, रास्ते पे फेंको मत, आप
थूक देते हो, फेंक देते हो, फिर उसके बाद जो पीछे चलता है ना उस व्यक्ति को बहुत खराब लगता है। मेरे ऊपर कितनों ने पता है रास्ते पे गाड़ी में से ऐसे थूक देते हैं, मेरे ऊपर गिरता है, मेरे को इतना बेकार लगता है मालूम है। मैं सैनिटाइज करते रहती हूँ फिर खुद को, उसी में मेरा आधा वक्त निकल जाता है। रास्ते में थूका मत करो यार। पानी चाहिए था कैंपिंग टेंट को साफ करने के लिए, इन्होंने कहा इनके घर से ही ले लो। इनका घर देखो कितना बड़ा है, ये देखो झूला लगाया है इन्होंने घर से, देखो सारे कपड़े सुखाए हैं। अब एक बकेट पानी ले लेती हूँ इनके यहाँ से ना, ये देखो बकेट है, टॉयलेट है इनका, ये देखो ऐसे रूम है, इनके घर है। वो बोल रहे थे घर का रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देखो पानी ले लेती हूँ मैं, कैंपिंग आपको दिखाती हूँ, कैंपिंग कैसे हम धो सकते हैं, मैं कैसे धोती हूँ कैंपिंग वो आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कैंपिंग कैसे धोती हूँ, मैं धोती नहीं हूँ एक्चुअली, मैं साफ़ करती हूँ, कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी। देखो पानी ले लिया एक बकेट, अब बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके हम धोएंगे। ये देखो रोटी बनाया इन्होंने, ये देखो डाल दिया ऊपर, ऐसे बना दिया रोटी, ये देखो आटे का कितना बड़ा रोटी है। देखो ये जो हम भाकरी बोलते हैं इसको, और अगर आप उस तरफ जाओगे ना आपको क्या बोलेंगे इसको, रोटला, रोटला बोलते हैं। और मतलब जो बनता है ना ज्वार का रोटी वगैरह बनता है ना मोटा मोटा, वैसा ही ये चावल का है। ये देखो मैं हमेशा ऐसा सर्फ मेरे साथ कैरी करती हूँ, कपड़े धोने के लिए, बैग धोने के लिए, सब धोने के लिए। मैं किसी से धुलवाती नहीं हूँ अपने कपड़े, घर पे भी हो तो मैं अपने कपड़े खुद ही धोती हूँ। ये अभी इसमें से सर्फ निकालूँगी, हम अपना कैंपिंग टेंट साफ करेंगे। एक चम्मच सर्फ, इतना पानी, एक पोछा कपड़ा रख लो जो भी गंदा कपड़ा है। ये देखो एक चम्मच डाल दो, अब इसको घुलाएंगे, इसको रखते हो साइड में और इसको हम घोलेंगे मस्त। मुझे कहा था वो भाई साहब ने कि कैमरा को इसके अंदर भी डाल के हम पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, अभी मन कर रहा है डालने का बट नहीं डालूँगी। चलो कैंपिंग साफ करते हैं, साबुन का पानी फिर अच्छा पानी दोनों से करना है। गंदा कपड़ा डाल दिया इसके अंदर, चलो कैंपिंग साफ करते हैं। मेरी मम्मी खड़ी है बाहर, ये देखो बकेट को अंदर ले लिया, अंदर से पहले पोंछ लेते हैं फिर बाहर से पोंछेंगे। एक्चुअली आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, रुको। आप कभी भी कैंपिंग का इस्तेमाल कर रहे हो ना, कैंपिंग कहीं पे भी लगा रहे हो, याद रखना आपके आसपास में कोई भी स्मोकर नहीं होना चाहिए या फिर आपके कैंप के पास में स्मोकिंग वाले नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये कैंपिंग टेंट है ना एक बार डैमेज हो गया तो फिर से रिपेयर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्मोकर्स आपके आसपास ना रहे, क्योंकि इसमें स्मोकिंग का वो होल हो गया ना सिगरेट से तो जाएगा नहीं, और कुछ भी डैमेज हो गया ये आप ठीक नहीं कर सकते कैंपिंग टेंट में। इसके लिए चलो साफ़ करते हैं अभी। ये देखो 10 मिनट में अपना टेंट पोछा लगा के सूख गया है एकदम से। ये देखो मैं अपना घर दिखाती हूँ, ये तो हमारे नेबर का टेरेस है, ये देखो ये दिख रहा है, ये हमारा घर है। यहाँ पे अभी मेरी मम्मी और बहरे भी हैं, और ये देखो ये पूरा इलाका जो है ना मुंबई है, मुंबई। ये देखो यहाँ पे नो टेरेस में है ना, ये थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं इवनिंग में, अभी न्यू ईयर गया ना, न्यू ईयर के लिए इन्होंने पार्टी वगैरह किया था। देखो चूल्हा वगैरह रखा है, इसमें खाना वाना बना के मस्त खाते हैं। और तो एक्चुअली है ना ऐसे छत पे बैठने की आदत बहुत है, ऐसे पत्रे पे छत पे ऐसे मुझे बैठने की बचपन से आदत बहुत है। तो हमारे छत पे क्या होता था ना बहुत कचरा रहता था, तो हम कचरा मुझे कचरा साफ करने के लिए ऊपर मम्मी चढ़ा देती थी। ये देखो हमारा दिख रहा है ये छत, इसमें ज़्यादा कचरे जमा होते थे हर थोड़े दिन में ना, तो वो प्लास्टिक के कोई खाना वगैरह का चीज फेंक देता था ऊपर ना, तो वो मैं साफ़ करने के लिए मेरी मम्मी मेरे भाई लोग मुझे चढ़ा देते थे। तो हम सफाई करने करने में मेरी आदत हो गई ऊपर छत में बैठने की, तो मैं पढ़ाई करने के लिए कभी ऐसे पढ़ने के लिए या फिर ऐसे बैठ के गाने सुनने के लिए ऊपर बैठ जाती थी।
तो अब मेरी आदत बन गई है छत पे टेंट लगाओ, किसी के भी छत पे टेंट लगाओ। जब भी जो फॉलोवर्स मुझे बुलाते हैं उनके यहाँ पे ना, कोई भी जगह मैं जाती हूँ तो वहाँ पे अपना ऐसे ही छत के ऊपर या कहीं पे भी अपना कैंपिंग लगा लेती हूँ। रेन कवर को भी मैंने ऐसे ही लगा दिया है पोछा पूरा, और हवे में मस्त सूख रहा है। एक्चुअली मैं अकेले रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो एक साथ में तीन चार काम नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी कर लूँ। ये देखो इसको पोछा लगा लिया है मस्त रेन कवर को, अभी ये 10 मिनट में सूख जाएगा पूरा। मुझे है ना लगभग आधा घंटा लगा होगा, सर्फ घोला मैंने, टेंट लगाया, पोछा अच्छे पहले सर्फ के पानी से पोछा, फिर अब अच्छे पानी से पोछ लिया, अभी फिर इसको पैक करके बैग में रख लूँगी। कल हम निकल रहे हैं अगली स्टेट। पतंग उड़ा रहा है कोई बच्चा उधर। कबूतर उड़ रहे हैं ऊपर। धूप आई है, देखो धूप कितनी कड़ी धूप लग रही है। बकेट साफ किया मैंने, सिर्फ इनसे आधा बकेट का पानी लिया था, बकेट साफ करके इनको फिर से दे दिया मैंने। अब जैसे इनका घर था वैसे ही, बिना कुछ खराब किए या फिर कुछ भी गलत किए मैंने चल रही हूँ बाहर। देखो इनका रोटी भी निकल, रोटी भी बन गया है। देखो सब सफाई कर रहे हैं, ये अभी चूल्हा बुझ गया है, चूल्हे को देखो सारी लकड़ियों को बुझा दिया इन्होंने पानी डाल के। अब ये अगली बार के लिए रोटी बनाने के लिए सब रेडी कर रहे हैं।